पाकिस्तान हॉलैंड का मुकाबला और शादाब खान की बर्थडे और इंडिया में वालेहाना इस्तकबाल किया गया है यहाँ पे बाबर आदम का, सब कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है, सेकंड मैच पाकिस्तान हॉलैंड का है जो कि बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, और पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है उसका बहुत जल्दी ऐलान कर दिया जाएगा और मैं उससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं शादाब खान के बर्थडे की। तो शादाब खान का बर्थडे था और शादाब खान को बहुत ही शानदार किस्म का सरप्राइज़ दिया गया टीममेट्स के थ्रू, और शादाब खान ने केक काटा और बहुत ही इंजॉय किया तमाम की तमाम टीम ने। और दोस्तों, अगर यहाँ पे बात कर लें बाबर आजम की, तो बाबर आजम यहाँ पे पहुँच गए हैं अहमदाबाद, जहाँ पे कैप्टन डे बनाया जा रहा है। तमाम के तमाम कैप्टन्स वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे उनका बहुत ही शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया। वहाँ पे उनकी मुलाकात रोहित शर्मा से भी हुई जो कि इस टाइम इंडियन टीम के कैप्टन है और वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने रिसीव किया है बाबर आजम को और तमाम के तमाम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आए। और इस सारे सिनेरियो के अंदर बाबर आजम को बहुत अच्छे से वेलकम किया है इंडिया की आवाम ने। इस टाइम पर लोगों का कहना ऐसा है कि बाबर आजम को जितनी इज़्ज़त इंडिया में मिल रही है इतनी तो शायद पाकिस्तान में भी नहीं मिलती, इतनी इज़्ज़त इतना प्यार। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा, और आप लोगों को क्या लगता है कि वर्ल्ड कप कौन सी टीम विन करेगी मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।